प्रोक्योरमेंट की पूरी पॉलिसी को हमने उसके साथ जोड़ा हुआ है और प्रदेश के अंदर अपने युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर हम 2 करोड़ युवाओं को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। एक बड़े अभियान के साथ इन कार्यक्रमों को आज उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज प्रदेश के अंदर ई ऑफिस की प्रणाली लागू होने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली में पूरी पारदर्शिता आई है। प्रदेश न केवल अब कृषि और अपने जल संसाधन के लिए और युवा शक्ति के लिए बल्कि एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक जगत में भी हम सबके सामने देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा अभी 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। इन्वेस्टर समिट से वैश्विक व्यापारिक समुदाय से 40 देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें प्रतिभाग किया था और उस पूरे आयोजन के दौरान उत्तर प्रदेश को 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव भी प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए। इसके लिए हमें तकनीक को अपनाना पड़ा था जिसमें प्रदेश के अंदर हम लोगों को किसी भी एमओयू की मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश के अंदर हम लोगों ने निवेश सारथी के रूप में यहां पर अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया। सिंगल विंडो की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निवेश मित्र के रूप में हमने यह सुविधा हर एक निवेशक को उपलब्ध करवाई और जो भी निवेशक प्रदेश के अंदर निवेश करे और निवेश की सफलता के बाद शासन से मिलने वाली शासन की किसी भी पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाली इंसेंटिव को इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से हमने उन्हें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पे निवेश हो रहा है और उत्तर प्रदेश आज अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने अपने नागरिकों के और उत्तर प्रदेश को एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है। आज भारत ने जो प्रगति की है इस दिशा में वो वास्तव में एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के लिए एक नया मार्गदर्शन हो सकता है। खासतौर पर G20 के लिए जो थीम निर्धारित किया गया है वह भारत की प्राचीन थीम है जो वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम के साथ हम सबको जोड़ता है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये वास्तव में भारत का वह प्राचीन श्लोक है जो भारत की दुनिया के बारे में उस सोच को प्रदर्शित करता है जिसमें हमने जो कुछ भी हमारे पास था या भारत के पास है उसको हम लोगों ने कहीं भी किसी राग द्वेष के या किसी भी अन्य अहंकार के कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा है तो इस पे मेरा ही एकाधिकार है। हमने कभी इस बात को नहीं सोचा। भारतीय मनीषा ने तो एक ही बात कही थी, अयम निज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को जिसमें वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की भावना निहित है जो आज जो G20 के इस थीम के साथ आज डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की इस बैठक के साथ हम उत्तर प्रदेश की राजधानी में यहां पर एकत्र बैठे हुए हैं। निश्चित ही डिजिटल इकोनॉमी वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव के साथ पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। उनके जीवन में और मानवता के जीवन में व्यापक कल्याण का भाव लेकर के आगे बढ़ सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि G20 वर्किंग ग्रुप की यह बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सभी आए हैं कुछ नए मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेगी और मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हुए आप सभी एक नई दिशा देने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर आप सबने उत्तर प्रदेश की राजधानी में डिजिटल इकोनॉमिक ग्रुप की इस प्रथम बैठक में उपस्थित होकर के उत्तर प्रदेश
कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपनी मदद की, क्योंकि ये लगातार 5 दिनों के दो इवेंट 5 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न हो रहे हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका मैं हृदय से यहां पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि G20 इकोनॉमिक डिजिटल इकोनॉमिक ग्रुप की यह बैठक निश्चित ही देश को और दुनिया को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। इस पूरे अभियान की प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।